हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पावर स्टीयरिंग कैसे काम करता है तथा 3D डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हम लोग जब हम स्टीयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको रोटरी मोशन करते हैं, तो कैसे हम व्हील के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले एक एक पार्ट को समझेंगे तथा इसके मूवमेंट को देखेंगे कि कैसे ये मूव करता है। सबसे पहले ये देखेंगे, ये है आपका स्टीयरिंग जो ड्राइवर कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टीयरिंग अगर आपको डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ाना है तो ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ करना है तो राइट साइड की तरफ मूव करेगा। ये स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं इसको। ये इसका शाफ्ट होता है और ये इस शाफ्ट से कनेक्टेड होता है इस यूनिवर्सल ज्वाइंट के थ्रू। ठीक है, ये मूव हो रहा है यूनिवर्सल ज्वाइंट के थ्रू, ये मूव हो रहा है। ये क्या करता है, यहाँ पे क्यों यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाया गया है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में ही नहीं है, ये इसके सीध में नहीं है, अलग एंगल पे है। तो एंगल पे के लिए हम लोग यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा देते हैं ताकि इसके मूवमेंट में कोई फर्क ना पड़े। ये रोटरी मोशन है तो इसको भी ये भी रोटेट करें। अब ये शाफ्ट दोबारा यहाँ पे यूनिवर्सल ज्वाइंट के थ्रू इससे कनेक्टेड होता है पिनियन गियर। पिनियन गियर को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है पिनियन गियर। पिनियन गियर से ये जो शाफ्ट होता है उसमें रैक गियर बना होता है। ठीक है, जब ये पिनियन गियर मूव करता है तो रैक मूव करता है, लेफ्ट या फिर राइट साइड में मूव करेगा। और उसके बाद देखते हैं कि आज के आगे का स्ट्रक्चर क्या है। ये होता है मेन फ्रेम। ठीक है, ये होता है एक्सल बीम जिसको बोलते हैं, और इसके ऊपर में ये यानी कंट्रोल आर्म जिसके ऊपर में डिस्क ब्रेक और व्हील जो है अटैच होता है। ठीक है, कंट्रोल आर्म, कंट्रोल आर्म किसके साथ कनेक्टेड होता है, एक्सेल आर्म के थ्रू, एक पिन के थ्रू कनेक्टेड होता है। और इस पिन को हम लोग ऐसे करके देखते हैं, इसकी मूवमेंट को देखिए। जैसे ही ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इस पिन के ऊपर यानी ये बोल्ट के ऊपर क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है अपने साइड में। देखिए खींच रहा है, जैसे इसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जा रहा है, इधर टर्न करना है तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यानी हम लोग स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं तो इससे ये पिनियन घूम रहा है, पिनियन से रैक पे जा रहा है, और रैक का जो मूवमेंट है ये इसको लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसका लेफ्ट और राइट डायरेक्शन ये चूँकि ये कंट्रोल आर्म पे, कंट्रोल आर्म से कनेक्टेड होता है, और कंट्रोल आर्म क्या करता है, इस एक्सल बीम पे एक पिन के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो ये लेफ्ट आर्म जब उधर जाता है तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ लाता है, और जब उस साइड करता है तो ये राइट साइड में मुड़ जाता है। तो यही है दोस्तों, स्टीयरिंग ऐसे काम करता है, इसका यही मैकेनिज्म है। दोस्तों उम्मीद है आपको इसका जो मैकेनिज्म है, कैसे ये कनेक्टेड होता है व्हील के साथ तथा ये कैसे कनेक्टेड होता है कंट्रोल आर्म के साथ, और डिस्क ब्रेक कहाँ पे लगा होता है, इसमें मेन एक्सल बीम का कनेक्शन किसके साथ होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल, ये इसके जो पिनियन और रैक पे डिपेंड करता है, पिनियन रैक, पिनियन जो होता है रोटरी मोशन करता है, और पिनियन का जो कनेक्शन रैक के साथ होता है तो रैक उसको लेफ्ट और राइट मोशन देता है, और उसी से ये इसको आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टीयरिंग व्हील काम करता है, कैसे हम किसी व्हीकल के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। पावर स्टीयरिंग भी ये एक पावर स्टीयरिंग है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, छोटे से थोड़े से मूवमेंट से ज़्यादा टर्न किया जाता है। पहले के जो स्टीयरिंग होते थे वो काफ़ी मूवमेंट कर देना पड़ता था तब जाके मुड़ते थे, अभी के जो पावर स्टीयरिंग है उसमें छोटे से मूवमेंट से ज़्यादा डायरेक्शन को, अच्छे डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे वीडियो की अपडेट सबको मिलती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।